सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सदाशिव शंकर से प्रारंभ होने वाली परंपरा, जिसके मध्य शंकराचार्य हैं और जो हमारे आचार्य पर्यंत चली आ रही है, उस गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। पनपद पनपद, मैं तुम्हारे मन में चल रहे चिंतन में बाधा डालूं? डाली है तो कहो। तुम्हारे नजदीक आऊं? आओ बैठो। मैं कुछ पूछूं तुम झुंझलाओगे तो नहीं? मैंने तुम पर झुंझलाना छोड़ दिया है, पूछो क्या पूछना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका क्या अर्थ हुआ? गिरी, गुरुदेव ने अभी 2 दिन पहले ही इसका अर्थ बताया था। गुरुदेव ने बताया तो था, पर मेरी समझ में नहीं आया था। तो सिर्फ मैं ही बचा हूं? मेरी व्यथा समझो पदपाद भैया। देखो, सुरेश्वराचार्य से पूछ नहीं सकता, वे आयु में गुरुदेव से भी बड़े और गुरुदेव जैसे ही गूढ़ हैं, निरंतर वेदांत में डूबे हुए। और अस्तामलक से तो पूछना ही बेकार है, उसकी तो मुट्ठी में ब्रह्म, वो तो हमेशा ब्रह्म में लीन। अब बचे तुम मेरे बड़े भाई जैसे, इसलिए तुमसे तो पूछ ही सकता हूं ना। कुछ पंक्तियां लिख लूं, फिर मैं तुम्हें बुलाता हूं। तुम एक ही पुस्तक बार बार लिखते रहते हो, पहले मुझे समझा दो फिर। गिरी, कोई भी व्यक्ति एक ही पुस्तक बार बार नहीं लिखता। मैंने गुरुदेव लिखित ब्रह्मसूत्र भाष्य पर जो व्याख्या लिखी थी, उस पुस्तक को मेरे मामा ने ईर्ष्यावश जला दी थी। मेरे सौभाग्य से मैंने गुरुदेव को कुछ खंड पढ़कर सुनाए थे, और गुरुदेव ने अपनी स्मृति से वे सारे खंड मुझे फिर से सुना दिए। उन्हें ही लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5 अध्याय हैं, इसलिए पंचपादिका नाम रखा है इसका। बात समझ में आई? गुरुदेव को इतना याद कैसे रहता है? गिरी, पद बात को लिखने दो और तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। अब ना जाने मेरा क्या होगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। पद्मपाद, उठो, गुरुदेव उठ गए होंगे। गिरे, तुमने अपने वस्त्र लिए या नहीं? मैं भूल गया गुरुदेव। लटी, गिरी ज्ञान में पद्मपाद, हस्तामलक और सुरेश्वराचार्य से बहुत पीछे था, पर अपने गुरुदेव की सेवा में सदैव तत्पर रहता था। दिन भर दौड़ दौड़ कर गुरु की सेवा करने का बहाना ढूंढता रहता। गिरी महाराज, अभी मेरे पास समय है, जो पूछना है पूछ लो। पद्मपाद स्वामी, अभी मेरे पास समय नहीं है, गुरुदेव भिक्षाटन से लौट रहे होंगे, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। प्रणाम गुरुदेव। तुमने भोजन कर लिया? नहीं गुरुदेव। गिरी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा मत किया करो। गुरुदेव, मैं कल से आपका आदेश मानूंगा। गुरुदेव,
तुमने कल भी यही कहा था। जी गुरुदेव, क्षमा गुरुदेव, पर मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं आपके पहले भोजन नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ हमेशा नहीं रहने वाला गिरी। जी गुरुदेव, फिर क्या करेगा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। चलो भैया हस्तामलक। गुरुदेव कुछ देर विश्राम करने चले गए। अब कुछ देर मैं बोलता रहूंगा और तुम सुनते रहोगे। अब एक तुम ही हो जिससे मैं अपने मन की बात कह सकता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से सुरेश्वराचार्य कोई ना कोई भाष्य लिखते रहते हैं और पद्मपाद भी ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम्हें गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गुरुदेव मानते हैं कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो ब्रह्मलीन हो। अब बच गया मैं। मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं लिखूंगा क्या? कैसे गुरुदेव के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा? मूर्ख जो हूं। स्वामी, मैंने सुना है बचपन में तुम भी महामूर्ख थे। नहीं, यानी कि तुम महामूर्ख जैसे दिखते थे, ना खेलते, ना पढ़ते, ना लिखते, ना गुस्सा ही करते। और एक दिन तुमसे निराश तुम्हारे पिता तुम्हें गुरुदेव के पास ले आए, ये जानने के लिए कि तुम्हारा कुछ होगा भी या नहीं। और गुरुदेव ने तुम्हें देखते ही ताड़ लिया था कि यह मूर्ख दिखाई देने वाला मूर्ख नहीं है। और जब गुरुदेव ने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो, तुमने देववाणी में कह दिया कि तुम सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हो। और तुमने गुरुदेव को आत्मा का सत्य ऐसे कह सुनाया था जैसे आंवले की तरह सत्य तुम्हारी मुट्ठी में, और गुरुदेव ने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया, हस्तामलक। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी ही कहानी तुम्हें क्यों सुना रहा हूं। वह इसलिए कि अब यह कहानी ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर यह कहानी सच है तो बस एक बार मुस्कुरा दो, मुझे विश्वास हो जाएगा कि कभी कोई महामूर्ख भी महाज्ञानी बन सकता है। क्या यह कहानी सच है, क्या यह कहानी झूठ है? सच झूठ दोनों नहीं है। गिरे आया आचार्य। जी आचार्य। क्या कर रहे थे आचार्य? मैं हस्तामलक से पूछने गया था कि क्या पूछने गए थे? मैं यह पूछने गया था कि जब सत्य तुम्हारी मुट्ठी में आंवले की तरह है तो फिर तुम गुरुदेव की कक्षा में बैठते क्यों? क्या उत्तर दिया हस्तामलक ने? वह तो तभी बोलते हैं जब उनकी इच्छा होती है, पर आप तो मुझे अभी बता सकते हैं। देखो, उसे तंग मत किया करो और उसे अकेले ही रहने दिया करो। आचार्य, मैं उसे तंग कहां करता हूं? वह गुरुदेव की कक्षा में इसलिए आता है कि वह गुरुदेव की वाणी सुन अपने अनुभवों की पड़ताल कर सके। आचार्य, सच सच कहिएगा, मेरा कुछ हो सकता है? गिरी, गुरु की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। न जाने गुरुदेव मुझ पर कृपा करेंगे भी या नहीं, पर आपने मुझे क्यों बुलाया था? तुमसे थोड़ी स्याही मिलेगी? मेरी सारी स्याही ले लीजिए, पर मुझे कुछ सिखा दीजिए। कितनी बार तुझे कहा है मेरे पैरों को मत दबाया कर? गुरुदेव, आपके पैरों को दबाता हूँ तो मेरे हाथों को अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोरे कागजों पर कलम चला रहा हूँ। सुरेश्वराचार्य और पद्मपाद तो दिन भर कलम चलाते रहते हैं, मुझसे मेरा ये सुख तो ना छीनिए। अच्छा अच्छा, जा अब सो जा। पद्मपाद। क्या है गिरी? मैंने सुना है एक बार काशी में तुम गंगा तट पर कपड़े धो रहे थे और गुरुदेव दूसरे किनारे पर थे। हाँ तो? और गुरुदेव ने तुम्हें पुकारा तो तुम बिना कुछ सोचे समझे ही गंगा के जल में ही दौड़ने लगे। तब गुरुदेव की कृपा से तुम्हारे पैरों के नीचे कमल उगाए
तुमने गंगा पार कर ली। क्या गुरु कृपा से सचमुच ऐसा हो सकता है? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। आचार्य, मुझे नींद नहीं आ रही। अपने इष्ट का नाम जपते रहो, नींद आ जाएगी। अपनी पराजय की कहानी सुनाइए ना। एक ही कहानी कितनी बार सुनेगा, सो जा। हर माँ अपने बच्चे को एक ही कहानी तो बार बार सुनाती है। गुरुदेव के विजय की कहानी सुन के मन को अच्छा लगता है। सुनाइए ना। कहाँ से? श्रीमंडन मिश्र से। अच्छा सुन, बात उन दिनों की है जब सन्यास लेने से पहले मैं मंडन मिश्र हुआ करता था। एक दिन अचानक भगवतपाद आदि शंकर अपने शिष्यों के साथ महिष्मतिपुर में मेरे घर पर प्रकट हुए। उस दिन घर में श्राद्ध के भोज का आयोजन था। भारती, भगवतपाद शंकराचार्य ने मुझे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी है। ओह, इसलिए दोपहर को आप दोनों के बीच ब्रह्म भोज के समय बात हो रही थी? मुझे लगा कोई सन्यासी आया है भिक्षा के लिए। प्रारंभ में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। पर भगवतपाद आपसे ही क्यों शास्त्रार्थ करना चाहते हैं? भगवतपाद शंकर मेरे आचार्य कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करना चाहते थे। क्यों? भगवतपाद शंकर मेरे आचार्य के ईश्वर संबंधी मत का खंडन करना चाहते हैं। आचार्य ने उन्हें मेरे पास भेजा। ओ, आपने चुनौती स्वीकार कर ली? हाँ, और हम दोनों के बीच यह भी तय हुआ है कि जो भी हारेगा वह जीतने वाले का शिष्य बनेगा। यानी आप हारे तो आपको सन्यास लेना होगा, और आचार्य शंकर हारे तो आपके दास? हाँ। और निर्णायक कौन होगा? तुम। मैं? भगवतपाद ने ही तुम्हारा नाम सुझाया है। पर आप दोनों के शास्त्रार्थ को तो कई दिन लग सकते हैं। मैं घर के सारे काम छोड़ निर्णायक कैसे बनूं? आचार्य शंकर को तुम्हारे ज्ञान और निष्पक्षता पर पूरा विश्वास है। शास्त्रार्थ 18 दिनों तक चला। देवी उभय भारती ने हम दोनों के गले में फूलों की एक एक माला डाल दी थी। देवी बीच बीच में अपना गृह कार्य करती और 18वें दिन उन्होंने मेरे गले में पड़ी मुरझाई फूल की माला को देख मुझे पराजित घोषित कर दिया। हारने के उद्वेग से मेरे शरीर की उष्मा से मेरे गले में पड़े माला के फूल मुरझा गए थे, पर भगवतपाद शांत थे किसी गहरे समुद्र की तरह। मैं सचमुच हार गया था, पर उस हार में भी मेरी विजय हुई थी। उस दिन शास्त्रार्थ में हार कर मैंने एक महान गुरु को पाया था। मुझ पर भगवतपाद की कृपा हुई थी। महर्षि वशिष्ठ के शिष्य महर्षि शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेदव्यास, वेदव्यास के शुकदेव, शुकदेव के गौड़पाद, गौड़पाद के गोविंद भगवतपाद, गोविंद भगवतपाद के शिष्याचार्य शंकर। क्या हुआ गिरी? लगता है गुरुदेव मुझे पुकार रहे थे। कोई तुम्हें नहीं पुकार रहा गिरी। नहीं, सो जा। मुझे गुरुदेव के कक्ष के बाहर ही जाकर सोना चाहिए, न जाने कब मुझे पुकार दे।
गिरी दिखाई नहीं दे रहा है। नदी तट पर गया है। तो उसके लौट आने तक हम प्रतीक्षा करते हैं। मैं भगवत पाद के ज्ञान की परंपरा को कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा? कैसे गुरुदेव का ऋण उतार पाऊंगा? गुरुदेव मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो गुरुदेव। गुरुदेव, हम क्यों गिरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उससे कुछ नहीं होने वाला। गिरी को शिक्षा देना वैसा ही है जैसे कोई दीवारों को शिक्षा दे। गिरी इन दीवारों से बेहतर नहीं है। पद्मपाद, हम गिरी की प्रतीक्षा करेंगे। गिरी लो, बुद्धि लो, ज्ञान लो। आचार्य, आचार्य, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे, महितोपनिषत् कथितार्थ निधे, हृदये कलये विमलं चरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं, करुणा वरुणालय पालय मां, भव सागर दुख विदून हृदं, रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं, भव शंकर देशिक मे शरणम्। हे शास्त्रों के अमृत सागर, उपनिषदों में कथित ज्ञान के भंडार, मैं अपने हृदय में आपके चरण कमलों पर ध्यान करता हूं। हे आचार्य शंकर, मुझे अपनी शरण में लो। और उसी क्षण गिरी ने, जिस छंद को कठिन माना जाता है, उस तोटक छंद में अपने गुरु की चरण वंदना में 8 पदों की रचना की। लेकिन ये कैसे हुआ सूत्रधार? नटी, गुरु कृपा सिर्फ उस पर ही नहीं होती जो महान ज्ञानी है, बल्कि उस पर भी होती है जो निर्मल मन से गुरु चरणों की सेवा करता है। पद्मपाद की बातों से आहत हो शंकराचार्य ने अपने ज्ञान का अलौकिक अंश गिरी को दिया, और उस दिन से गिरी तोटकाचार्य के नाम से जाने जाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली रचना तोटक छंद में की थी। आओ तोटकाचार्य। रसिकों, भारत की गुरु शिष्य की महान परंपरा है, जिसने एक पीढ़ी से ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। ऐसे गुरु शिष्य के कारण ही ज्ञान का प्रवाह अक्षुण और निरंतर बह रहा है। प्राचीन काल में चाहे वो वेद व्यास और शुक हो, गौड़पाद गोविंदपाद और आचार्य शंकर हो, मध्यकाल के विद्यारण्य मधुसूदन सरस्वती हो, वर्तमान के रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद हो, स्वामी रामतीर्थ, रमन महर्षि, स्वामी शिवानंद, स्वामी तपोवनम या स्वामी चिन्मयानंद हो, या आजकल के अन्य आचार्य गण हो, सभी ने अपने गुरुओं की शिक्षा का अनुसरण कर और उनका प्रचार कर अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के अनुसार जीना ही वास्तव में गुरु दक्षिणा है, और हम सभी का यह कर्तव्य है कि हमने जो अपने गुरुओं से पाया उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक तन मन धन से पहुंचाएं। गंगा जी की भांति इस ज्ञान का प्रवाह गुरु परंपरा द्वारा बहता रहा है और बहता ही रहेगा। शक्या खलु यत् न कोऽपि गुरु प्रसीद।
हृदय की कृतज्ञता मेरे विपुल प्रयत्नों से भी मैं नहीं कह सकता। हे गुरु, मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे आपके चरणों की परम प्रेम रूपी भक्ति प्रदान करें। यस्य प्रसादात् भवमंगलार्था प्रसूत गंगोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नस्स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नस्स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नस्स शिवस्वरूपः।